सो गाइस जब हम ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय हम पूरा दिमाग लगा के यहाँ वहाँ से पूछ पाछ के सोच समझ के हम फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें कुछ कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद फिर हमारे दिमाग में आता है यार एक ऑप्शन दिया हुआ, बेटरमेंट का ऑप्शन दिया हुआ, तो हमें क्या बेटरमेंट का ऑप्शन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इसी को मैं पहले ही सॉल्व कर दूंगा जिसके कारण आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चलने वाला नहीं है। और गाइस ऐसे बहुत सारे वीडियो से चैनल पे आने वाला है, मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब करके रख ही दिया, और नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल दिया हुआ है उसको भी सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएगी जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो गाइस अब स्टोरी को पकड़ते हैं, और स्टोरी ये है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सो गाइस देखो कि जब आपने ऑप्शन फॉर्म फिलअप किया, आपको कॉलेज का अकाउंट 1 के थ्रू अलॉट हो गया, इसके बाद आपके आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार मुझे बेटरमेंट ऑप्शन भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो गाइस अगर आप सोच समझ के बहुत अच्छी तरीके से करोगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। बट गाइस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरी समझदारी पूरे दिमाग से ऐसा काम करो कि पूरी तरह से एनालाइज करके सभी चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के, कोर्सेज को देख के, कोर्सेज को समझ के सभी चीज़ें कुछ ऐसा ही करो कि कैप राउंड 1 में ही आपको अच्छा खासा कॉलेज अलॉट हो जाए, बेटरमेंट या कैप राउंड 2 के कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। पहला रिक्वेस्ट ये है मेरा। बट फिर भी गाइस अगर आपके दिल और दिमाग में ये चल रहा है तो उसको करना चाहिए। कैसे बट कैसे करना चाहिए उसके लिए भी एक रास्ता है, उस तरह से करना चाहिए। गाइस जैसे आपको कॉलेज अलॉट हुआ फिर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कॉलेज में मुझे चलेगा, बट मुझे इससे कुछ और अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, इसीलिए हम लोग बेटरमेंट ऑप्शन भरते हैं। बेटरमेंट का मतलब ही होता है गाइस उससे अच्छा कॉलेज, उससे अच्छा कॉलेज और उससे अच्छा कोर्स, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि बेटरमेंट का मतलब यही होता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, जो हमें पहले कॉलेज मिला है उसको हम रिजर्व कर लेंगे, कुछ अमाउंट रहता है 1500 से 2000 रुपए तक का कुछ अमाउंट होता है, उसको भर के हम कॉलेज क्या कर लेते हैं, हम रिजर्व करके रख लेते हैं कि भाई इसको कर लेते हैं, अगर वो कैप राउंड 2 में हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ये भी मुझे चलेगा। फिर इसके बाद मैं ऑप्शन फॉर्म, जब सेकेंड ऑप्शन फॉर्म मैं फिल करता हूँ उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे जो मुझे कॉलेज मिला उससे अच्छा कॉलेज क्या करूंगा, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा आगे नहीं जाने का, पर उससे थोड़ा आगे का अच्छा कॉलेज क्या करने का, उसके कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने का, उसका परसेंटाइल निकालने का, उसका रैंक निकालने का कि कैप राउंड 2 में गिरता है कि बढ़ता है, क्या होता है, इन सभी को निकाल के उन्हीं कॉलेज को आप क्या करो ऑप्शन फॉर्म, जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस समय उन्हीं कॉलेजेस को भरो। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के कुछ भी भर दे रहे हो। बेटरमेंट मतलब क्या होता है, बेटरमेंट मतलब होता है पहले से अच्छा कॉलेज, तो पहले से अच्छे कॉलेजेस को फिल करो, उनके कोर्सेज को फिल करो। पर ये सभी चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को करने के लिए आप जो कॉलेज फिल कर रहे हो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा कि पिछले कई सालों का क्या रहा है, उनका कैप राउंड 2 में जब कॉलेज अलॉट हुआ तो बढ़ गया था कि कम हो गया था, क्या हो गया था, उन सभी चीज़ों को देख के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के यहाँ वहाँ सुन के ऐसा कर दिया तो भाई तब तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखो ये प्रॉफिटेबल ही है, पर प्रॉफिटेबल तब है जब समझदारी से काम किया जाएगा। इसीलिए क्या करना है, जब ऑप्शन फॉर्म बेटरमेंट के बाद भरोगे तो क्या करना है, जो भी कॉलेज भरोगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के और उससे अच्छा कॉलेज भरना है। तो यही मेरा सजेशन है गाइस, और अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप सभी के कमेंट को देखता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।